कानपुर नगर से है। बजरंग दल की शिकायत पर फादरी समेत चार पर दर्ज हुआ मुकदमा। घाटमपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को ईसाई मिशनरियों ने रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने फादरी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घाटमपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम सौर अग्निहोत्री समेत कई कार्यकर्ताओं ने घाटमपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि फादरी जगराम सिंह साथी प्रकाश सोनारे राजेश संखवार प्रकाश सोनारे की पत्नी अज्ञात पर क्षेत्र में गरीब लोगों को रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि फादरी ने उनके कार्यकर्ता यीशु अवस्थी को धर्मांतरण करने के बदले में मोटी रकम देने का लालच दिया था, जिस पर पुलिस ने फादरी समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घाटमपुर थाना अध्यक्ष राम बाबू ने बताया कि उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर फादरी समेत चार लोगों पर धर्मांतरण परिवर्तन कराने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। लेकिन लोगों ने बताया कि प्रभु के पास जाओगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन पर ऐसा बल दिया कि आज अगर प्रभु में नहीं होती ना तो मैं पता नहीं कहाँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसी शांति दी कि आज मैं जिंदा खड़ी हूँ। तो आप प्रचारक हैं, पादरी प्रचारक हैं, तो धर्म का प्रचार करते हैं। हम सिर्फ लोगों को पापों से मुक्ति के लिए हम जो प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा, तो जैसे किसी के पाप हैं तो उनको मतलब समस्याओं को थोड़ा सा सांत्वना देना, मानसिक सांत्वना देना, ये सब करते हैं। आज पाप की कोई धर्म नहीं है सर, लड़ाई का कोई धर्म नहीं है। आज हम जो लड़ाई दंगा भी कर रहे हैं इसका कुछ नहीं है। आप अपने स्वयं से आते हैं परिस्थितियों के हिसाब से इन लोगों से मदद मांगे, ये लोग नहीं करेंगे तो हम अपनी परिस्थितियों के लेकर परमेश्वर के पास आए जिसने हमें जीवन दिया, उसकी आराधना कर रहे हैं। हमें लोगों से कलम नहीं, जीवन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती स्वतंत्रता से हम अपने विश्वास के, जैसे हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं वैसे हम आगे यहां आराधना करने के लिए विश्वास के लिए आए हैं। और कुछ काम नहीं, ना हमें किसी ने कोई रुपया दिया, ना किसी ने हमें कोई लालच, कोई लालच नहीं है। अच्छा, लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 17 साल से इसी जगह पर। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल नहीं है। अब जिनको इतराज वो यहीं पे रुके हैं, बाकी सब लोग जा रहे हैं। आधार कार्ड चेक करवाइए, दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ पे धर्मांतरण करवाने का काम हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं घाटमपुर से हूँ, जिला संयोजक हूँ विश्वेंदु परिषद का। हेलो, मेरे नाक के नीचे चैलेंज दिया जा रहा है। हेलो सर, ये लोग मिल करके पूरे हिंदू समाज को घाटमपुर क्षेत्र में धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। हर दूसरे महीने एक नई चर्च का निर्माण कर रहे हैं और हिंदुओं को बरगला फसला करके उनको ला करके यहाँ मतांतरण करवाने का काम किया जा रहा है, जिसको बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब जरूरत पड़े तो हम लोग मुख्यमंत्री जी तक भी जाएंगे। और ये इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो रहा है, प्रलोभन दे के काम करने का के हिंदू भाई हैं उन लोगों को जो है। कल हमारे कार्यकर्ता यीशु अवस्थी को 3 दिन पहले इन्होंने धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। 31 तारीख को 10,000 रुपए दे रहे थे। सोनारे ने मुझसे कहा कि मैं रुपया मतलब मुझसे रुपया लेकर के मेरे यहाँ आने लगो, ठीक। तब मैंने बजरंग दल को सूचित किया, केवल इतना ही कहा कि आप मेरे यहाँ 10,000 रुपये ले लो। 10,000 रुपया नहीं ले लो, मेरे यहाँ आओ, शादी कराएंगे, रुपया देंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा धर्म अपनाओ, ठीक है। इस धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरीके की बातचीत करी। हमारे सनातन धर्म में मतभेद बताए जाते हैं और ईसाईयत में ये बताया जाता है भगवानों की मूर्ति हटाइए, ये क्रिश्चियन का चिन्ह टांगिए अपने घरों में, हिंदू परिवारों को बरगलाया फुसलाया जा रहा है, ये बड़ी मिशनरी का काम चल रहा है। अशिक्षित परिवार इनके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिन पर शिक्षा की कमी है, सेवा बस्तियों में और धन का अभाव है, ज्यादातर गरीब तबके के लोगों को ये लोग अपना शिकार बना रहे हैं। और इस तरह की घाटमपुर में 2 मिशनरियां चल रही हैं, 1 52 में भी चल रही है, जिस पर हमने अभी उस दिन पहल करके क्या कह रहे थे तुमसे, शादी कर लो, ईसा मसीह का धर्म अपना लो। और क्या कह रहे थे, रुपए का पैसा थोड़ी मिलेगा। कितना रुपए है? सब मिलेगा, सिस्टम बढ़िया रहेगा। और हमारे भी आके देखो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। तो हमने कहा ठीक है, और कुछ? उन्होंने कहा जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, आप खुश रहोगे। भगवानों के लिए क्या कह रहे थे? भगवानों के लिए ये कह रहे थे,
कि आपके बहुत देवता है, किसको पूछते हो आप, देखो इसमें एक है कितने अच्छे हैं, नेक हैं। ठीक है। थाना घाटमपुर पे ईशु अवस्थी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके अनुसार कुछ लोगों द्वारा गरीबों को पैसे रुपए का लोभ लालच देकर के बरगला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी इस तहरीर पर थाना घाटमपुर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, बाद जांच आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने स्वयं से आते हैं, हमारा जीवन बचाया गया ना, परिस्थितियों के हिसाब से इन लोगों से मदद मांगे, ये लोग नहीं करेंगे तो हम अपनी परिस्थितियों के लिए परमेश्वर के पास आए, जिसने हमें जीवन दिया, उनकी आराधना कर रहे हैं, हमें लोगों से मतलब नहीं है, जीवन के कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती स्वतंत्रता से हम अपने विश्वास के, जैसे हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हम विश्वास के लिए आए हैं, और कुछ काम नहीं, ना हमें किसी ने कोई रुपया दिया, ना किसी ने हमें कोई लालच, कोई लालच नहीं है। अच्छा, लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 17 साल से इसी जगह पर। हाँ, इसी जगह। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल लिए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।